हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लाउज की स्लीव से आप बेल स्लीव्स और कोल्ड स्लीव्स किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे स्लीव्स का सेंटर पॉइंट है यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम ये यहाँ से इसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से लेके हम इसकी लंबाई लेंगे 15 इंच हम कोने से जो ऊपर है हल्की सी नीचे है इस पर लगा लेंगे निशान और हम इस पर लाइन खींच लेंगे। देखिए इस तरीके से लाइन खींचने के बाद हमने यहाँ से यहाँ तक भी 7 इंच ले लिया है और यहाँ से यहाँ तक भी 7 इंच ले लिया है। इसमें हमारी जो मेन उसकी चौड़ाई रहेगी वो 5.5 है, तो हम उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी हमने कपड़ा यहीं ले लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे और यहाँ से यहाँ इस पर लाइन खींच लेंगे। ये हमारी पूरी स्लीव्स पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसका बेल स्लीव सिलने के लिए घेर कट करेंगे। जो ये एक तो हमने कट करके रखा हुआ है, जो हमने इसका अम्ब्रेला सूट कट किया था उसमें से ये बचा हुआ था और ये बाकी हम इस पर निशान लगाकर कट कर लेंगे, तो ये दो हो जाएंगे। ये स्लीव्स पर मैंने इस तरीके से इसलिए निशान लगाया है ताकि मेरे कम से कम कपड़े में बेल स्लीव्स भी सिला जाए और ज्यादा कपड़े की जरूरत ना लगे। तो अब इसी के ऊपर हम ऐसे निशान लगा के इसको भी कट कर लेंगे। ये हमारा अम्ब्रेला कटा हुआ है, ये देखिए लगभग हमारा पूरी स्लीव्स का निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, पूरी स्लीव्स की हम कटिंग कर लेंगे। पहले स्लीव्स की कटिंग करेंगे फिर इस अम्ब्रेला घेर की। देखिए दोस्तों, ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग करके हमने तैयार कर लिया इसको और ये हमने हमारा अम्ब्रेला घेर को भी इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ 7 इंच पर निशान लगा लेंगे और कट कर लेंगे। ये हम इसलिए करेंगे ताकि ये जो यहाँ से यहाँ हमारी जो चौड़ाई है ये भी 7 इंच है, तो इसको इसमें जोड़ने के लिए हम 7 इंच ही कट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ से यहाँ तक 7 इंच का निशान लगा लिए है और उसके बाद हम नाप के देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए। इससे हमारा घेर बराबर एक दूसरा आता है स्लीव में। और अब हम इसको भी कट कर लेंगे। देखिए इसको भी हमने काट लिया है और बेल स्लीव्स में थोड़ा घेर ज़्यादा रहता है तो ही वो अच्छी लगती है। चाहे तो आप इतना भी ले सकते हैं लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने बिल्कुल इस तरीके से इतना घेर लिया हुआ है। और कोल्ड स्लीव सिलने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है स्लीव्स को ऐसे पलट कर ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम लेंगे 2.5, तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई भी हम 2.5 लेंगे। आप चाहे तो 3 भी ले सकते हैं, तो ये बराबर आपको लेना होगी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की। फिर हम इसको इस तरीके से डालना लेंगे और इसको गोलाकार में इस तरीके से शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको इस शेप में निशान लगा लिया है। पूरा गोलाकार नहीं लगाना है, थोड़ा शिप के आकार में वैसे निशान लगाकर आप उसको कट कर। ये देखिए कटने के बाद हमारी स्लीव्स की गोलाई इस तरीके से रहेगी और ऐसे ही हमने आप इसको खोलेंगे तो ये हमारी कोल्ड स्लीव्स ऐसी हो जाएगी। ये देखिए ये खुलने के बाद हमारी ऐसी रह जाएगी ये। और अब हम बेल स्लीव्स का जो हमने अम्ब्रेला घेर बनाया हुआ है, ये हमने घेर को ये यहाँ से कोने जो थे हमारे उसको इस तरीके से डीप करते हुए इसको गोलाई के शेप में निशान लगा लेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग करने के बाद जो बेल स्लीव्स का हमारा घेर है ऐसे हो जाएगा और यदि हम इसको खोलेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। और हम इसकी सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। स्लीव की सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोल्ड स्लीव्स बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा है, एक अस्तर लिया हुआ है या जो कोई सा भी आप मिलता है तो कपड़ा लीजिए और इसके ऊपर ये इस तरीके से रखिए इसको और फिर यहाँ से ऐसे निशान लगाइए। ये देखिए यहाँ से हमने ऐसे निशान लगा लिया, जैसे हम गले की पट्टी बनाते हैं इस टाइप से ये भी बना लिया।
तो अब इसको हटा लेंगे कपड़े को, और हम जैसे गले की पट्टी करते हैं इतना एक एक इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यहाँ से ऐसा निशान लगा लेंगे। जैसे गले की पट्टी के लिए हम एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं, ऐसे इस पे निशान लगा के ऐसे यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से भी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने पट्टी काट ली है। अब यहाँ से हमने ऐसे हल्के हल्के से सर्कल में जगह जगह टक्स लगा दिए थोड़ी थोड़ी स्पेस में, और हम इसको यहाँ से फोल्ड करते रहेंगे पट्टी को ऐसे करके इसको फोल्ड करते रहेंगे। ये पट्टी को हमने फोल्ड करने के बाद हम सीधे कपड़े पे ऐसे इसको उल्टा रख देंगे और इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल ध्यान से रखेंगे हम कपड़ा ताकि हमारा फिनिशिंग से आए। एक पट्टी मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा काटी थी, सिलाई लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा के बीच बीच में ऐसे कट्स भी लगा लिए। अब हम इसको फोल्ड करके आउट सिलाई लगाएंगे। ये इस बात का ध्यान रखें कि ये इसको इस साइड लेना है और आउट सिलाई लगाएंगे हम ऐसा। ये ऐसी हम आउट सिलाई लगाएंगे और इसको फोल्ड करके इसी के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। ये ध्यान से बिल्कुल फिनिशिंग से लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसी के पास से आधा इंच सिलाई और लगाएंगे आधा इंच की डिस्टेंस में, ताकि हमारी पट्टी है जो है उठे ना। ये यहाँ से लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए हमारी कोल्ड स्लीव्स की सिलाई हो गई है। अब हम इसमें स्लीव्स में ये बेल स्लीव्स का जो हमने घेर बनाया ये अटैच करेंगे। यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। इस कपड़े को उल्टा रखेंगे और सीधा रखेंगे, और इस कपड़े को उल्टा रखेंगे और इस पे निशान सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये यहाँ बीच में लाकर हम थोड़ी सी मशीन रोकेंगे और फिर इसको इस जो घेर है हमको ये हमारा सेट कर देंगे, फिर सिलाई लगाएंगे ताकि ये एक जैसी लगे हमारी। बस ऐसे हम सिल लेंगे इसको। अब नीचे से इसको हम फोल्ड कर लेंगे, एक ही बार में फोल्ड कर लेंगे हम। ये देखिए ऐसे हम पूरे स्लीव को फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने सिल के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको बेल जोड़ना काटी है, इसको हम जोड़ना बताएंगे। स्लीव लगाने से पहले हम ये देख लेंगे कि हमारा ये कौन सा साइड फ्रंट में आएगा और कौन सा बैक में आएगा। जो ये हमारा ये साइड है जो फ्रंट में आने वाला है, ये पता कैसे चलेगा? यहाँ से हमने इसकी जो डीप कटिंग करी थी ये थोड़ी इस प्रकार से रहेगी। तब हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। लगाने से पहले हम क्या करेंगे, जो 2.5 इंच हमने लिया था चौड़ा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे, जो हमारा बिल्कुल 2.5 होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल 2.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। ये हमारे आगे का पार्ट है, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेंगे। ये ऐसे ही हम ऊपर से लेके नीचे तक भी 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और ये 2.5 हमने आगे की साइड से भी लिया हुआ है। अब हम स्लीव्स को जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए ऐसे ही हमने इधर का भाग और इधर का भाग आगे और पीछे दोनों का 2.5 यहाँ से लिया है और 2.5 यहाँ से लिया है। अब हम इसको स्लीव लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने स्लीव को इस तरीके से रख लिया है, और ये यहाँ से लगाना स्टार्ट कर देंगे, और ये एक भाग लेकर इसको हम यहाँ से पकड़ के इस तरीके से लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इस प्रकार पूरा लगा लेंगे। देखिए हम इसको लगाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे, और इस तरीके से हम दोनों स्लीव्स में ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने दोनों तरफ से सिल लिया, ये हमारा इस प्रकार हो गया। अब हम यहाँ से इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से ये ऐसे ले लेंगे हम इसको, फिर यहाँ से अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोस्तों फिर सिलने के बाद मैंने इसको फिटिंग कर लिया है। तो ये हमारी कोल्ड स्लीव्स और ये हमारी बेल स्लीव्स दोनों मैंने एक साथ सिली है,
तो दोस्तों बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के आपको मेरी ये स्लीव्स सिलने का तरीका कैसा लगा, और एक बार सिलकर जरूर पहनिएगा, बहुत इजी है यह तरीका। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।